So, good morning students. We are going to teach you germinations of a seeds, बीज का अंकुरण. Let's start. Most plants grow from seeds. अधिकांश पौधे बीज से उगते हैं. But all the seeds do not grow into plants. लेकिन सभी बीज पौधों में नहीं होते हैं. Only ripe and healthy seeds with get all the favorable conditions grow into new plants. केवल पके और स्वस्थ बीज जो सभी अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं वही नए पौधों में विकसित होते हैं. जर्मिनेशन इज द प्रोसेस वाई विच ए सीड्स प्रोड्यूसेस ए बेबी प्लांट्स और सीडिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर्स एयर एंड वार्मथ. अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बीज एक बेबी प्लांट का उत्पादन करता है या पानी हवा और गर्मी की उपस्थिति में बीज का रोपण करता है. इफ़ एनी वन कंडीशन इज मिसिंग द सीड्स विल नॉट जर्मिनेट. यदि कोई एक स्थिति गायब है इनमें से अगर कोई एक स्थिति नहीं है तो वो क्या होगा बीज का अंकुरण हमें प्राप्त नहीं होगा या बीज का अंकुरण नहीं होंगे. स्टेज ऑफ सीड्स जर्मिनेशंस बीज अंकुरण के चरण. द एम्ब्रियो रूट्स पुशेस द सीड्स कोट. भ्रूण की जड़ बीज कोट को धक्का देती है या आगे की तरफ ढकेलती है. इट ग्रो डाउन इन द सोल्स एंड फॉर्म्स द रूट. यह जड़ के रूप में मिट्टी के नीचे बढ़ती है. द कोटिडंस आर पुल्स अपवर्ड्स. बीज पत्र को ऊपर की ओर खींचा जाता है. द बेबी प्लांट्स कॉल सीडलिंग और बेबी प्लांट सीडलिंग कहलाता है या बीज पत्र कहलाता है. स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द कोटिडंस सीडलिंग्स दैट मीन्स अंकुर. तो बेबी प्लांट सीडलिंग कहा जाता है. बीज पत्र से यह पौधा बाहर आना शुरू करता है. द स्टेम्स ग्रो लॉन्गेस्ट एंड द लीव्स अपीयर फर्स्ट. तना अधिक लंबा हो जाता है और पत्तियां इसमें पहले दिखाई देती हैं. व्हेन द लीव्स डेवलप कम्प्लीटली द कोटिलेडंस फॉल ऑफ. जब पत्तियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं तो बीज पत्र गिर जाते हैं. लेटर द ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर एंड फ्रूट्स अपीयर्स. बाद में शाखाएं, कलियां, फूल और फल दिखाई देते हैं. द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इज दस कंप्लीटेड. इस प्रकार अंकुरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है. सीड डिस्पर्सल्स फॉर ए हेल्दी ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स इफ इज नेसेसरी ऑफ फॉर द सीड्स टू स्प्रेड अवे फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स. नए पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए एक दूसरे और मूल पौधों से बीज को या मूल पौधों के लिए बीज को फैलाना आवश्यक है. इफ ऑल द सीड्स स्टे टुगेदर विद द प्रेजेंट प्लांट्स इट वुड लीड्स टू ओवर क्राउडिंग. यदि सभी बीज मूल पौधों के एक साथ रहते हैं या मूल पौधों के एक साथ रहते हैं तो यह अधिक प्रजनन का कारण होता है. द सीड्स वुड कॉम्पैक्ट फॉर एयर वाटर सनलाइट स्पेस एंड मिनरल्स. बीज हवा पानी धूप अंतरिक्ष और खनिजों के लिए पूरा होता है. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग्स अवे ऑफ सीड्स फ्रॉम ईच अदर्स एंड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स. एक दूसरे और मूल पौधों से बीज के बिखरने की प्रक्रिया को बीज का फैलाव कहा जाता है. देयर आर मैनी वेज इन विच सीड्स आर डिस्पर्सल्ड. ऐसे कई तरीके जिनमें बीज छितरे हुए हैं या बिखरे हुए हैं.